आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। तोड़फोड़ और बवाल के बीच समापनीय हुआ त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज आज से शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रयागराज में पहले चरण का वोटिंग में साफ तौर से देखा गया, जिसमें प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच वोटिंग करने के लिए होड़ सी मच गई है। वही कोराव में फर्जी वोट डालने को लेकर जमकर तोड़फोड़ हुई। वही दूसरी तरफ प्रयागराज के पावन गांव में एसडीओ ने एक नई कार में कुछ लोगों से बात करते एसडीओ से बहस कर बैठे, फिर क्या था, सभी को कान पकड़ जमीन पर बैठा थाने भिजवाया। पंचायत चुनाव के लिए लगभग 5202 बूथों में प्रत्याशियों का भविष्य मत बेटियों में बंद होगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था की धज्जियां उड़ती दिखी। सरकारी अमले की अव्यवस्था व्याप्त होने के बावजूद भी मतदान करने के लिए ग्रामीणों में अच्छा खासा जोश देखने को मिला, जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरे जोश और खरोश के साथ मतदान किया। दोपहर 11 बजे तक लगभग 21% मतदान हो चुका है और अगर भीड़ का जायजा लिया जाए तो संभावना 80-85% तक की मतदान की संभावना है। इस विषय में पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश जी ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। लगभग 35% बूथ पूर्ण रूप से आदर्श बूथ के रूप में देखे जा रहे हैं, वहीं 15% बूथ अधिसंवेदनशील रूप में देखे जा रहे हैं, इसलिए वहां पर सशस्त्र बलों का व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। लोगों के बीच प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए प्रेरित किए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के बीच किसी प्रकार की कोई कोरोना की बीमारी का खतरा नहीं दिख रहा है और लोग भी बिना लगाए हुए खड़े हैं मास्क, और गर्मी के कारण लोग जल्द से जल्द अपना मतदान कर देना चाहते हैं। इसलिए कुछ कारण ये भी है कि लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। चलो चलो तुम लोग चलो।